कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए राणा एजुकेशन को और करे अपने NCHMCT JEE UGC NET का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राणा एजुकेशन। मेरा नाम है मनोज राणा और मैं IIT शिमला में लेक्चरर हूँ। पिछले दो वीडियोस पे काफ़ी अच्छे व्यूज आए थे और बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर कल वाले पेपर के लिए भी एक वीडियो एनालिसिस बना दिया जाए। तो ये वीडियो गाइस कल के पेपर के लिए होने वाला है और कल का जो पेपर है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग पेपर है। कन्फ्यूजिंग इन द सेंस कि क्योंकि रूम डिविजन का पेपर है ना, और इसमें हमारा रूम डिविजन ए एंड रूम डिविजन बी दोनों आने वाले हैं और थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग इसलिए है, मैं आपको बता देता हूँ, आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो जो इसमें चेंज है वो ये है कि ये दोनों जो पेपर हैं ये अलग अलग आंसर शीट्स पे होंगे, है ना। मतलब 9:30 पे आपको दो आंसर शीट्स दे दी जाएंगी और दो क्वेश्चन पेपर दे दिए जाएंगे। तो एक होगा रूम डिविजन ए जो कि फ्रंट ऑफिस है और एक होगा रूम डिविजन बी जो कि हमारा हाउसकीपिंग है ना। पहले ये पेपर अलग अलग हुआ करते थे, मतलब फ्रंट ऑफिस एक अलग सब्जेक्ट होता था और हाउसकीपिंग एक अलग सब्जेक्ट होता था, लेकिन अब क्योंकि जब से हमारा JNU से हुआ है अब रूम डिवीजन करके एक ही सब्जेक्ट बना दिया गया है और उसमें आपका फ्रंट ऑफिस भी रहेगा और हाउसकीपिंग भी रहेगा। ओके, तो फिर से बता देता हूँ, 9:30 पे आपको दो आंसर शीट्स मिल जाएंगी और दो क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। एक होगा रूम डिविजन ए जो कि फ्रंट ऑफिस है और दूसरा होगा रूम डिवीजन बी जो कि हमारा हाउसकीपिंग है। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप पहले कौन सा करें, है ना। आप पहले फ्रंट ऑफिस कर लो या हाउसकीपिंग कर लो, वो आपकी मर्जी है। क्लियर। नंबर दो, दोनों पेपर जो है वो 30-30 मार्क्स के होंगे। 30 मार्क्स का फ्रंट ऑफिस होगा जो कि रूम डिवीजन ए है और 30 मार्क्स का आपका हाउसकीपिंग होगा जो रूम डिवीजन बी है ना। तो अभी तक जो आपने दो पेपर किए अपना फूड प्रोडक्शन और F&B सर्विस, उसका पैटर्न ऐसा था, है ना, आपने देखा होगा 60 मार्क्स टोटल था और आपको एक ही क्वेश्चन पेपर मिलता था और उसमें तीन सेक्शन होते थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ये तो आपको पता है। लेकिन कल जो होगा, कल आपका आपको दो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, है ना, और वो 30 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर होगा। यहाँ पे देखो ये लिखा है 30 नंबर। अब 30 नंबर में जो आपका मार्क्स का ब्रेकडाउन होगा या सेक्शंस का ब्रेकडाउन होगा वो कुछ ऐसे होगा। अगेन आपके सामने तीन सेक्शन होंगे, सेक्शन ए जिसमें टोटल क्वेश्चन 8 होंगे, है ना, और आपको कितने करने होंगे, 4 क्वेश्चन। ओके, और दो नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल कितना हो गया, सेक्शन ए आपको हो गया 8 मार्क्स का, ठीक है। जो सेक्शन बी होगा वहां पे आपके सामने टोटल क्वेश्चन 6 होंगे, जहां पे आपको चॉइस मिलेगी वहां और की ऑप्शन होगी और उसमें से आपको तीन क्वेश्चन करने हैं और 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा। तो तीन क्वेश्चन करने हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल कितने हो गए, 12 मार्क्स, है ना। तो सेक्शन ए आपका 8 मार्क्स का हुआ था, सेक्शन बी आपका 12 मार्क्स का हो गया, 12 and 8 हो गया आपके 20। और जो सेक्शन सी होगा वहां पे गाइज आपके सामने दो क्वेश्चन होंगे, आपको एक क्वेश्चन करना है और 10 नंबर का वो क्वेश्चन होगा, तो टोटल हो गए 30 मार्क्स, है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप समझ लो कि जो फ्रंट ऑफिस है उसका जो पेपर है रूम डिवीजन जो ए है ना, तो वो भी ऐसे आएगा, 30 नंबर का होगा वो, है ना। और जो रूम डिवीजन बी है वो भी 30 नंबर का होगा और उसमें भी सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ओके, बाद में ये अलग अलग चेक किए जाएंगे, फिर आपके दोनों के मार्क्स जितने आपके रूम डिवीजन ए में आए होंगे, जितने रूम डिवीजन बी में आए होंगे, उन दोनों को प्लस कर दिया जाएगा और वो आपके मार्क्स बन जाएंगे आउट ऑफ 60, क्योंकि सब्जेक्ट तो एक ही है, सब्जेक्ट एक है, इसके दो पार्ट हैं, दो पार्ट हैं इसलिए पेपर भी अलग अलग होंगे, है ना। 9:30 पे आपको दो आंसर शीट्स मिल जाएंगी, दो क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, आपको जो पहले करना है आप वो कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था बच्चों में कि कल के पेपर में कैसे क्वेश्चन होंगे और कैसा वो पैटर्न रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, है ना, और थोड़ा सा हम सिलेबस देख लेते हैं। ऑलराइट, तो गाइज जस्ट गिव मी अ मिनट। ये रहा आपका सब्जेक्ट कोड है BHA 105। सब्जेक्ट कोड दोनों का सेम है ना, रूम डिवीजन ए का भी और बी का भी,
तो ये हमारे पास सिलेबस है BHA 105 फाउंडेशन कोर्स इन रूम डिवीजन ऑपरेशन ए थ्योरी मींस फ्रंट ऑफिस। ओके, तो फ्रंट ऑफिस आपको पता है जो रिसेप्शन एरिया होता है, जो मेन एरिया होता है ना, उसको हम फ्रंट ऑफिस बोल देते हैं। इसका अगर हम फर्स्ट यूनिट देखें तो इसकी फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटैलिटी एंड होटल इंडस्ट्री, है ना। तो यहाँ पे ओरिजिन, इवोल्यूशन एंड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल होटल कंपनीज। ओके, किसी भी होटल की हिस्ट्री आपसे पूछी जा सकती है, इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की हिस्ट्री आपसे पूछी जा सकती है, होटल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अगेन मैं तीनों पेपर में बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आ सकता है। ओके, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, एंड रूम्स डिवीजन हायरार्की। ओके, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो मेन जो आपके रूम डिवीजन की कंप्लीट हायरार्की है वो यहाँ पे आपसे पूछी जा सकती है। ऑलराइट, जो आपकी सेकंड यूनिट है गाइस वो है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ होटेल्स, है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ होटेल्स में आपकी जो HRACC है उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो स्टार क्लासिफिकेशन होती है, 4-star, 5-star, 3-star हेरिटेज होटल्स, वहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ रूम से डेफिनेटली क्वेश्चन रहेगा। ओके, रूम साइज से डेफिनेटली क्वेश्चन रहेगा कि रूम का साइज कितना होता है एज पर द रेफरेंस ऑफ HRACC। ओके, स्मार्ट रूम्स, डिफरेंटली एबल्ड गेस्ट रूम्स, अभी ये टॉपिक गाइज आपको फ्रंट ऑफिस में भी मिलेगा और ये आपको हाउसकीपिंग में भी मिलेगा, तो आप समझो कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंटली एबल्ड गेस्ट रूम, जिसको हम दिव्यांग हिंदी में बोल देते हैं, है ना, उनके लिए होटल को क्या अरेंजमेंट्स करनी होती हैं उस पे क्वेश्चन आ सकता है। बेसिक ऑफ चार्जिंग, चेक इन चेक आउट प्रोसीजर क्या होता है, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ओके, एंड उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ रूम रेट, है ना, रूम रेट बहुत टाइप के होते हैं, रैक रेट है, हर्डल रेट है, बहुत टाइप के रूम रेट होते हैं, वो आपने एक बार पढ़ लेने हैं। और मील प्लान्स, बहुत यूरोपियन प्लान्स, बर्मुडा प्लान, कॉन्टिनेंटल प्लान, अमेरिकन प्लान, मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान, ये सारे प्लान्स आपको याद होने चाहिए, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। जो आपके थर्ड यूनिट है गैस साइकिल, गैस साइकिल आपको गैस ड्रॉ करने को भी आ सकता है ना। एंड प्री अराइवल जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, क्योंकि गैस साइकिल में हम पूरा ही कवर करते हैं प्री अराइवल से लेके डिपार्चर तक। ओके, तो पूरा साइकिल गाइस आपको यहाँ पे आना चाहिए। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो पहले हमारा फ्रंट ऑफिस का पेपर आता था, तो उसमें कैसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते थे। अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग आप देखें, ड्रॉ द हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ लार्ज 5-star होटल, ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। ओके, देन उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ लार्ज 5-star होटल एंड लेबल द वेरियस सेक्शंस, मींस लेआउट ऑफ लॉबी एंड फ्रंट ऑफिस, ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, देन उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से देखो, लिस्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ होटल रूम्स, अभी हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ होटल रूम्स, ये आपके सामने स्पेसिफिक भी आपसे पूछा जा सकता है, सूट रूम क्या होता है, लनाई रूम क्या होता है, और इन जनरल आपसे पूछा जा सकता है कि 5 types ऑफ होटल रूम्स को एक्सप्लेन करो। ऑलराइट, अब मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट जो यूनिट है ना। अच्छा, अभी हम डिस्कस करते हैं थर्ड यूनिट। ओके, तो इसमें आपका प्री अराइवल रिजर्वेशन, ओके, उसका जो प्रोसीजर है वो आपसे पूछा जाएगा। ओके, हमारे जो डायरेक्ट CRS है, GDS है ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम है PMS, यहाँ से क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। यूनिट 4 है आपके फ्रंट ऑफिस की अराइवल, तो बेल डेस्क एंड वैले सर्विसेज क्वाइट इंपॉर्टेंट है ना। देन अराइवल टू क्रिएटिंग रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, है ना, जो रिकॉर्ड के फॉर्मेट्स हैं वो आपको ड्रॉ करने को आ सकते हैं। मेथड्स ऑफ पेमेंट आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना, एंड गेस्ट की जो स्पेशल रिक्वेस्ट हैं, एंड रूम सेलिंग टेक्निक्स, अपसेलिंग क्या होती है वो आपसे पूछा जा सकता है, अपसेलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, एंड देन हमारी जो लास्ट यूनिट है विच इज ड्यूरिंग द स्टे, है ना, तो कॉन्सियर्ज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पता होनी चाहिए। मेल मैसेज हैंडलिंग, रूम चेंज प्रोसीजर, स्पेशल प्रोसीजर, वेकअप कॉल, ओके, ये बहुत कॉमन सी टर्म्स हैं, अगर आप इनको एक बार देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कितने इजी हैं, है ना। तो एंड हैंडलिंग कंप्लेंट्स, क्योंकि गेस्ट कंप्लेंट बहुत ऑफनली होती हैं गेस्ट में, होटल में,
तो होटल उनको कैसे टैकल करता है, तो एक प्रोसीजर होता है प्रॉपर, है ना। तो गाइज ये फ्रंट ऑफिस का सिलेबस है, 30 नंबर का पेपर आएगा, ओके। और मेन मेन टॉपिक क्या है इसमें, टाइप्स ऑफ रूम, हिस्ट्री ऑफ इंडियन होटल्स और हिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटैलिटी, देन आपका प्लान्स जो हमारे मील प्लान्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ रूम्स बहुत इंपॉर्टेंट, गेस्ट साइकिल पूरा ही पढ़ लेना आपने प्री अराइवल से लेके चेकआउट तक, ओके। और ड्यूरिंग द स्टे क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं वो आपने पढ़ लेना है, ओके गाइस। ये तो आपका 30 नंबर का फ्रंट ऑफिस का आपने बता दिया। अब हम आते हैं हाउसकीपिंग। अगेन हाउसकीपिंग का भी सेम सब्जेक्ट कोड रहेगा, BHA 105, लेकिन उसका बी है ना, रूम डिवीजन ऑपरेशंस बी, ओके। तब हाउसकीपिंग की बात करें तो स्कोप ऑफ हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग का स्कोप क्या है फ्यूचर में, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से बनता है हाउसकीपिंग एंड हॉस्पिटैलिटी इन एलाइड सेक्टर। तो एलाइड सेक्टर क्या होते हैं, मींस होटल से हटके उसके अलावा हाउसकीपिंग कहाँ कहाँ होती है, मॉल्स में होती है, हॉस्पिटल्स में होती है, यूनिवर्सिटीज में होती है, कैसे होती है वो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। यूनिट सेकंड है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की जो हायरार्की है, देखो अगेन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, एंड उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे एग्जेक्टिव हाउसकीपर, डिप्यूटी हाउसकीपर, असिस्टेंट हाउसकीपर, फ्लोर सुपरवाइजर्स, पब्लिक एरिया सुपरवाइजर, उनकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ओके। देन एट्रीब्यूट्स ऑफ हाउसकीपिंग पर्सनल, ये तो सबके लिए सेम है एट्रीब्यूट्स, आप चाहे स्टीवर्ड के पूछ लो, शेफ के पूछ लो, हाउसकीपिंग एम्प्लॉय के पूछ लो, एट्रीब्यूट्स कॉमन होते हैं, ग्रूमिंग है, लॉयल्टी है, पंक्चुअलिटी है, पर्सनैलिटी है ना, हाइजीन है, ये आई फॉर डिटेल है, ये सब एट्रीब्यूट्स होते हैं हाउसकीपिंग किसी भी होटल एम्प्लॉय के, ओके। उसके बाद सेकेंड यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, है ना, जो हाउसकीपिंग है वो बाकी डिपार्टमेंट से कैसे कोऑर्डिनेट करता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। यूनिट थ्री जो है वो है प्रिपेयरिंग टू क्लीन, है ना। तो पहले तो हाउसकीपिंग पेंट्री क्या होती है, जो एवरी फ्लोर पे रहती है ना, और पेंट्री में क्या सामान रखा होता है, लेआउट ऑफ पेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। एंड उसके बाद है पेंट्री में क्या क्या सामान रखते हैं, है ना। देन हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है मेड्स का ट्रॉली और चैम्बर मेड ट्रॉली, उसका लेआउट या उसका स्ट्रक्चर, उसकी डायग्राम, एंड उसको हम कैसे उसको मैनेज करते हैं, वो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ओके। देन हमारा फोर्थ यूनिट है गेस्ट रूम अपकीप एंड मेंटेनेंस। तो यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा कि हम डिपार्चर रूम, ऑक्यूपाइड रूम एंड वेकेंट रूम, इन तीनों को कैसे साफ करते हैं, है ना। तो उसके बाद है देखो डिफरेंटली एबल्ड रूम, मैंने कहा था ये टॉपिक रिपीट हुआ है, मींस ये फ्रंट ऑफिस में भी है एंड हाउसकीपिंग में भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिव्यांग जो होते हैं उनके लिए होटल को क्या अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है, और उस रूम्स को हम कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे क्लीन करते हैं, है ना। OOO, OOS, DND, DL रूम्स, ये क्या है, इनके एब्रिविएशन आपको पता होनी चाहिए। टर्न डाउन सर्विस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है टर्न डाउन सर्विस एंड सेकेंड सर्विस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये गाइज आपने एक बार देख लेने हैं, एंड इनके नोट्स आपको कंप्लीट नोट्स मेरी ही ऐप में मिल जाएंगे, है ना। बहुत से बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, तो आपको वहां पे पूरे नोट्स मिल जाएंगे मेरी ही ऐप में, ओके। और मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद कि वो कहाँ मिलेंगे। उसके बाद गाइज फिफ्थ जो यूनिट है वो है डेली रूटीन, है ना। तो डेली रूटीन से हमारा मतलब क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिफ्ट्स, है ना, मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है, इन तीनों शिफ्ट्स में कैसे काम होता है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। देन आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हाउसकीपिंग, ओके। एंड देन हाउसकीपिंग इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स, ये वो ही आ गए एलाइड सेक्टर्स, है ना। देन अपार्ट फ्रॉम होटल्स, तो हॉस्पिटल्स आ गए, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स आ गए, मॉल, क्लब, शॉप्स, सर्विसेज, F&B आउटलेट्स, इंस्टीट्यूट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस एंड मेट्रो स्टेशंस एंड क्रूज लाइनर्स, है ना। क्योंकि हाउसकीपिंग तो आप सभी जगह देखते होंगे, तो वहां पे हम क्लीनिंग कैसे करते हैं, ओके। तो अब हम देख लेते हैं जो हाउसकीपिंग का प्रीवियस ईयर्स में पेपर आता था वो कैसे आता था, है ना। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हाउसकीपिंग इन द अपकीप ऑफ होटल, एक जनरल क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। एक हमारा टॉपिक था एक्सप्लेन द इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बिटवीन हाउसकीपिंग एंड फ्रंट ऑफिस। तो गाइज ये दो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के बीच भी आ सकता है, और इन जनरल बाकी सभी डिपार्टमेंट के साथ कैसे हाउसकीपिंग डील करता है वैसे भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है ना।
ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ लार्ज 5-स्टार होटल विद 700 गेस्ट रूम्स, ये आपके हायरार्की आपके सामने आ सकती है ना। एंड उसके बाद देखो मैंने कहा था ऑल्सो डिस्क्राइब द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गेस्ट रूम अटेंडेंट, GRA, गेस्ट रूम अटेंडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। मैकेनिकल क्लीनिंग इक्विपमेंट एंड मैनुअल क्लीनिंग इक्विपमेंट, बहुत ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन आ जाए आपसे, है ना। उसके बाद है हमारा फ्रीक्वेंसी स्केड्यूल्स फॉर क्लीनिंग, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसे डिफरेंशिएट करने को आपको क्वेश्चन आ सकता है। ऑल राइट गाइस, तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस, ऐसे छोटे क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे हैं आपके इस बार, यू सेक्शन 3 सेक्शन है, है ना। तो और इस तरह से जो है वो क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग हो सकती है आपके, और यहाँ पे क्वेश्चन आप ऐड कर लो डिफरेंटली एबल्ड वाला, है ना। तो बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, सारे नोट्स जो हैं वो आपको मेरी ऐप में मिल जाएंगे। ओके, इस ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं आप, है ना। और अभी आपको आई बटन में लिंक भी दिख रहा होगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। ओके, तो ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आपने गाइज बैचेज में जाना है। ओके, बैचेज में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऐसे करके बैच का नाम होगा 202326 HNHA इंडिया, है ना, इस पे आप क्लिक करेंगे। ओके, तो गाइज यहाँ पे आपको ज्वाइन की रिक्वेस्ट आ जाएगी। ओके, आप जब इसको ज्वाइन की रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो हो सकता है कि बैच कोड मांग ले, तो बैच कोड यहाँ पे लिखा है होटल HOTEL। जैसे आप बैच कोड डालेंगे तो मुझे एक रिक्वेस्ट आ जाएगी कि आपने बैच में एनरोल होने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। एंड मैं यहां से उसको एक्सेप्ट करूंगा तो आप बैच में ऐड हो जाएंगे। ओके, आप देखें इसमें 226 स्टूडेंट्स आपको यहां दिख रहा होगा, 226 स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसमें एनरोल्ड हैं। ओके, और सिर्फ IHM शिमला के ही नहीं है, ये अलग अलग IHMs के बच्चे भी इसमें एनरोल्ड हैं। यहां पे हम टेस्ट भी करते हैं, मॉक टेस्ट भी होते हैं बच्चों के, है ना। और आने वाले टाइम में जो सेकेंड सेमेस्टर है उसके पूरे नोट्स आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसका जो कंटेंट है ना, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो जैसे ही मैं आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूंगा आप इस बैच में ऐड हो जाएंगे। आप इस बैच को ओपन करेंगे, यहां पे देखो कंटेंट, आप कंटेंट में जाएंगे तो गाइज यहां पे आपको दिखने वाला है स्टडी मटेरियल। ओके, यहां पे आप स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो यहां देखो BSc HNHA फर्स्ट सेम। ओके, आप इसको ओपन करेंगे, है ना, तो यहाँ देखो BHA 101 तो पेपर आपके हो गए। अभी हम बात करेंगे रूम डिवीजन। ओके, तो रूम डिवीजन पे आप जाएंगे, है ना, यहाँ पे देखो हाउसकीपिंग थ्योरी में आप जाएंगे, यहाँ पे थ्योरी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको हाउसकीपिंग की 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट्स के नोट्स मिलने वाले हैं। ऑल राइट, तो यहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे अगर आपके पास नोट्स नहीं है, बाकी आपको आपके टीचर्स ने नोट्स डेफिनेटली दिए होंगे। ओके, तो गाइस थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो गया था, बट आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको शेयर करें, क्योंकि बहुत आपको पता है बहुत टाइम लगता है ये पूरा डाटा इकट्ठा करने में, आपके लिए वीडियो बनाने में। तो आप एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं विद ऑल योर फ्रेंड्स इन अदर IHMs, है ना। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम, एंड अब हम मिलेंगे कल परसों वाले एग्जाम के एनालिसिस के साथ। Thank you for watching. Good day.